भारतवर्ष का सनातन इतिहास हमारी संस्कृति एवं उसकी मजबूत जड़ों का इतिहास है, जो अपने कालखंडों में समेटे कई धार्मिक स्थलों, शक्तिपीठों एवं उससे जुड़े किंवदंती रहस्यों के बारे में बहुत कुछ बताती है। ऐसे ही अनगिनत रहस्यों में से एक है नीलांचल पर्वत पर स्थित माँ कामाख्या देवी की चमत्कारी शक्तिपीठ। इस चमत्कारी शक्तिपीठ के किस्सों के बारे में बचपन में सुना था, परंतु इस किस्सों पर यकीन करना भी सहज नहीं था। जब बात उस शक्ति के बारे में हो जो आदि और अंत की देवी हैं, तो विश्वास की जड़ें और मजबूत हो जाती हैं। दोस्तों, पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार गुवाहाटी से मात्र 8 किलोमीटर दूर नीलांचल पर्वत पर स्थित है माँ कामाख्या देवी की मंदिर। यहाँ पहुँचने मात्र से सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सर्वव्यापी स्वरूप की अलौकिकता का एहसास होता है। पौराणिक कथा के अनुसार, जब सती के पिता दक्ष ने अपनी पुत्री सती और उसके पति शंकर को यज्ञ में अपमानित किया और शिवजी को अपशब्द कहे, तो सती ने दुखी होकर अग्निकुंड में आत्मदाह कर लिया। भगवान शंकर ने सती के मृत शरीर को उठाकर क्रोध में तांडव नृत्य किया। ये देखकर भगवान विष्णु ने शंकर जी के क्रोध को शांत करने के लिए अपना सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। सती के शरीर के ये टुकड़े मृत्यु लोक में जहाँ जहाँ गिरे 51 शक्तिपीठ कहलाए। कहा जाता है कि माँ सती की योनि जिस स्थान पर गिरी, उस स्थान पर माँ कामाख्या का ये पावन मंदिर बना। इन्हीं कारणों से माँ कामाख्या को सृष्टि की जननी का द्वार माना जाता है एवं 51 शक्तिपीठों में से श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है, और माँ कामाख्या को आदि शक्तिपीठ भी कहा जाता है। शक्तिपीठ होने के कारण यहाँ माँ के सांकेतिक स्वरूप की पूजा होती है। यहाँ माँ के जिस स्वरूप की पूजा होती है, उसे महामाया और योनि रूप अर्थात महामुद्रा के नाम से भी जानते हैं। महामाया का दूसरा नाम कामेश्वरी भी है, यानी माँ का वह रूप जो मन की सभी इच्छाओं को पूरा करता है। योनि मात्र शरीरायं कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी धीताम सदा शरणागत दिनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। कामाख्या मंदिर की कहानी असम के समृद्ध इतिहास का एक खजाना है, तो दूसरी तरफ सती के कठोर तप की ऐसी कहानी जिसे देखने देश विदेश से लाखों श्रद्धालु माँ के दर पर शीश नवाने आते हैं। तंत्र साधना से जुड़े दुनिया के तमाम योगियों एवं तांत्रिकों के आराध्य देवी माँ कामाख्या के इस मंदिर में हर साल जून में अम्बुवासी उत्सव मनाया जाता है। अम्बुवासी पर्व माँ सती का रजस्वला पर्व होता है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार सतयुग में यह पर्व 16 वर्ष में एक बार, द्वापर में 12 वर्ष में एक बार, त्रेता युग में यह 7 वर्ष में एक बार तथा कलिकाल में प्रत्येक वर्ष जून माह में तिथि के अनुसार मनाया जाता है। मान्यता है कि इस समय माँ पूरी तरह से जागृत होती हैं और ये पूरा क्षेत्र में एक ऐसी ऊर्जा का प्रवाह होता है जो श्रद्धालुओं को खींच लाता है। अम्बुवासी पर्व के दौरान गर्भगृह में जाने की इजाज़त किसी को नहीं होती। इस पर्व में माँ के रजस्वला होने से पूर्व गर्भगृह स्थित महामुद्रा पर सफ़ेद वस्त्र चढ़ाए जाते हैं, जो कि रक्तवर्ण हो जाते हैं। मंदिर के पुजारियों द्वारा ये पवित्र वस्त्र प्रसाद के रूप में भक्तों के बीच बांटा जाता है। यहाँ मिलने वाला प्रसाद भी दो तरह का होता है। पहला अंगढक, जिसमें शक्ति स्थल से प्रवाहित होने वाले जल को प्रसाद के रूप में बांटा जाता है, और दूसरा अंगवस्त्र अर्थात वो वस्त्र जो 3 दिनों तक शक्ति स्थल पर वस्त्र रूप में चढ़े रहते हैं। कहा जाता है कि 4 दिन तक चलने वाले इस पवित्र अम्बुवासी मेले में भक्त की हर मुराद माँ पूरी करती है। माँ कामाख्या के मंदिर में 3 प्रमुख दरवाजे हैं। पहला दरवाजा को सुख समृद्धि का द्वार माना जाता है।
दूसरे दरवाजे को मोक्ष का द्वार माना जाता है। दोस्तों, अब माँ कामाख्या मंदिर से जुड़े कुछ रोचक तथ्य साझा करने जा रहा हूँ। पहला, इस मंदिर के गर्भगृह में कोई मूर्ति नहीं है। यहाँ माँ के सांकेतिक स्वरूप योनि रूप अर्थात महामुद्रा की पूजा आराधना होती है। दूसरा, इस मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जमीन से लगभग 20 फीट नीचे एक गुफा में स्थित है, जिसे गर्भगृह कहते हैं। तीसरा, इस चमत्कारी मंदिर में माता दुर्गा के महामाया रूप की पूजा आराधना की जाती है। चौथा, इस मंदिर में 10 महाविद्याओं के भी दर्शन होते हैं, जिनके मंदिर एक साथ बने हैं। तंत्र विद्या और योग साधना के लिए 10 महाविद्याओं की पूजा आराधना जरूरी मानी जाती है। ये 10 महाविद्या है काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, भैरवी, घुमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। पांचवा, यह मंदिर स्त्री के रचनात्मकता को दर्शाता है एवं बताता है कि स्त्री ही ब्रह्मांड की जननी है, हमें उसका हर हाल में सम्मान करना चाहिए। छठा, तंत्र मंत्र शक्ति और साधना के संगम का नाम ही कामरूप कामाख्या है। सातवां, मंदिर के जिस वर्तमान स्वरूप को हम देखते हैं उसका निर्माण मध्यकालीन युग में अहोम के समय हुआ था। आठवां, कामाख्या मंदिर के समीप ब्रह्मपुत्र नदी के बीच बने उमानंद भैरव मंदिर के बारे में ऐसा मान्यता है कि माँ कामाख्या देवी की यात्रा तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक भैरव बाबा के दर्शन नहीं हो जाते। नौवां, दोस्तों, उमानंद भैरव मंदिर, नरकासुर मार्ग एवं उट्टाचक्की के बारे में हम आगे की वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। दसवां, यहाँ मनसा पूजा भी होता है। इस पूजा के दौरान उपवास और फिर उसके बाद देवधान नृत्य किया जाता है। ग्यारहवां, पूस के महीने में यहाँ भगवान कामेश्वर और देवी कामेश्वरी के बीच प्रतीकात्मक शादी के रूप में पूजा की जाती है। दोस्तों, अगर आपको प्रसिद्ध माँ कामाख्या देवी शक्तिपीठ के बारे में हमारी ये वीडियो अच्छी एवं रोचक लगी तो लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।